नमस्ते, दिल अल्लन टॉप इस वक्त ठाकुर द्वारा में है। ठाकुर द्वारा जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, इसको बोल दो और देखो, जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, बीजेपी के ही यहां से कई बार जीते हैं विधायक कुंवर सर्वेश। अभी आप जो गाड़ी देख रहे थे ये सपा के प्रचार की थी। भाजपा के प्रचार गाड़ी की बहुत बात होती है, उसकी बहुत तस्वीरें आती हैं। दिखते हैं कि कई दर्जनों ट्रक एक साथ खड़े हुए हैं जिन पर भाजपा का कमल दिख रहा है। सपा की गाड़ी की ऐसी कोई तस्वीर मैंने नहीं देखी थी अभी, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी घूमते दिखी जिस पर कि LED लगा हुआ है, दो स्पीकर रखे हैं और एक फिल्म चल रही है। इस गाड़ी पर जो भी बैनर वैनर लगे हैं उसमें से मुलायम दिखते हैं, आजम दिखते हैं, रामगोपाल दिखते हैं, शिवपाल नहीं दिखते। हम बात करेंगे इस गाड़ी पर और यहाँ की राजनीति पर। हमारे साथ इस गाड़ी का काम देख रहे मोहम्मद सलीम हैं। ये गाड़ी कितनी इस विधानसभा में घूम रही हैं? ये हमारे पास तीन गाड़ियां हैं प्रचार की। तीन गाड़ियां हैं जो तीनों विधानसभा में, मतलब हमारे चार ब्लॉक में घूम रही हैं। चार ब्लॉक के लिए तीन गाड़ी, मतलब एक सीट पर आपको तीन गाड़ियां मिली हैं। कितना है, एक दिन में लगभग कितना किलोमीटर ये ट्रेवल करती हैं? ये लगभग मुश्किल हो जाता है 20-25 किलोमीटर, लगभग 20-25 किलोमीटर एक गाड़ी का। आप पूरे दिन गाड़ी के साथ रहते हैं? नहीं, मैं तो अभी इनको लगाने आया था यहाँ पर। अच्छा, अच्छा। यहाँ पर लगाओ इस तरीके से। आपको ये लगता है कि गाड़ी पर जो देख रहा है प्रचार, जो फिल्म चल रही है, एड जो चल रहा है, उसे देखकर कोई वोट डिसाइड करेगा अपना? नहीं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ ठाकुरद्वारा में ऐसा रहा है कि यहाँ बहुत 200 साल से बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं, कुमार सर्वेश कुमार सिंह रहे हैं यहाँ पर, और 200 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। अभी पीछे सन 2014 में इलेक्शन हुआ था, 12 में इलेक्शन हुआ था मध्य निधि का बीच में, जिसमें सर्वेश कुमार MP बने थे और नवाब जान खान को विधायक की सीट। 14 में इलेक्शन हुआ था, उस वक्त सर्वेश कुमार सांसद बन गए थे। हाँ, और उसके बाद हुए उपचुनाव में नवाब जान खान विधायक बन गए थे। और उस 2.5 सालों में उनका ब्रेड मिला, उन्हें 2.5 साल में, 2.5 साल में उन्होंने इतना वर्क किया है पूरे क्षेत्र में कि शायद अब से 20 साल पहले से कभी वर्क नहीं हो पाया है। ये गाड़ी आप लोगों ने खुद यहाँ तैयार करवाई है या ये आपको ऊपर पार्टी से मिली है? ये मुझे नहीं मालूम, ये शायद यहाँ तैयार हुई है, बाहर से आई है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। आपको इसकी जानकारी नहीं है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार जी, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सर, हम अभी फिलहाल सपा पार्टी को सपोर्ट करेंगे अपने नवाब खान। थोड़ा तेज बोलिए, यहाँ शोर जाता है। हम नवाब जान खान को ही वोट करेंगे और सपा पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? नवाब जान की वजह से करेंगे या अखिलेश यादव की वजह से करेंगे या कोई और वजह है? अखिलेश यादव जी हमारे इस पार्टी के मैन आदमी रहे हैं, जो कि यहाँ पे पूरे UP में अच्छा कार्य करा है उन्होंने। और ठाकुर द्वारा की बात करें तो नवाब जान खान ने बहुत ही 2.5 सालों में बहुत ही विकास किया है। इतना विकास यहाँ पहले कभी 15 सालों पहले भी नहीं हो पाया। क्या किया है नवाब जान ने सर? जैसे कि यहाँ पे बिजली घर बनवाए, 3 कॉलेज बनवाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए, डिग्री कॉलेज बनवाए और एक पुल बनवाया है। ये सब 2.5 साल में हो गया? ये सब 2.5 साल में इन्होंने अभी कुछ कार्य चल भी रहा है जो अभी नवाब जान खान उसे करा रहे हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? समाजवादी पार्टी को। क्यों? पार्टी अच्छी है। पार्टी अच्छी है, क्यों अच्छी है पार्टी? क्योंकि हमारे ठाकुर द्वारा के विकास नवाब जान का अच्छा है, कार्यालय बढ़िया काम। वो तो नवाब जान अच्छे हुए, पार्टी कैसे अच्छी हो गई? पार्टी बढ़िया है, जब फ्रेंड है लोग उनके। हम फ्रेंड है हम उनके। किसके फ्रेंड? अखिलेश यादव जी के। अखिलेश यादव के फ्रेंड हो? हमारे साथ अखिलेश यादव के फ्रेंड है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिस्टर वारिस है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज का बिजनेस है? मैं आइडिया पोस्टपेड का बिजनेस करता हूँ। और किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? जी, मैं पार्टियों को तो सब सपोर्ट नहीं करता हूं, पर अखिलेश जी ने काफी अच्छे काम किए हैं यूपी में, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। कन्या विद्यान वगैरह बाकी और बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई हैं और किसी ने भी यहां पर ऐसा काम नहीं करवाया अभी तक। अखिलेश यादव की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी पार्टी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने काम किया, तारीफ वाला काम किया तो उसी की तारीफ की जाती है जो काम अच्छा करता है। कोई कमी भी दिखती है उस? नहीं, अभी तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है उनकी फिलहाल। फिलहाल तो उनकी कोई कमी नहीं नजर आई है। सब बढ़िया है, बिल्कुल चकाचक बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिर कुरैशी। क्या करते हैं आप?
जी मैं नौकरी करता हूँ। मैं जी किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं कि समाजवादी पार्टी को करते हैं? हालांकि दोनों एक पार्टी को। समाजवाद पार्टी को। अगर अखिलेश यादव अलग हो गए होते पार्टी से तब? अखिलेश यादव के साथ में तब अखिलेश यादव को करते। क्या अच्छा लगता है? ऐसा सब कुछ ही अच्छा लगता है। सब कुछ जी। अच्छा लाइव चल रहा है ये? बिल्कुल सर, कोई देख रहा है जो कुछ आप बोलेंगे? किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए पार्टी को तो हम तो यहाँ पे नौजवान तबका हमें सपोर्ट करता है सब ये। हाँ। तो आज का माहौल ये है। हाँ। कि सबसे ज्यादा यूथ अगर किसी के साथ खड़ा है तो वो AIMMIM के साथ खड़ा है। अच्छा। असाउद्दीन ओवैसी के साथ खड़ा है। वाह क्या बात है। असाउद्दीन ओवैसी का एक ऐसा नौजवानों में क्रेज है। हाँ। कि वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से कतार शुरू हो जाती है। आज की डेट में यहाँ पे नुमाइंदा जो है वो AIMM का हाफिज एजाज अंसारी है। तो अंसारी उनका निशान शायद पतंग है। तो पतंग पे भारी तादाद में पूरा ठाकुर द्वारा, उसकी बिरादरी 70,000 है। तो इसलिए जो है आज की डेट में यहाँ से जो सीट निकल रही है वो AIMIM की निकल रही है। ओवैसी जी को आमतौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए माना जाता है। अच्छा। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ आएंगे तो? देखिए आपको लगता है कि ओवैसी साहब जहाँ से चुनाव जीतते हैं वहाँ मात्र 15% जो है वह सिर्फ मुसलमान है, बाकी 85% वहाँ पे हिंदू समाज है। अगर वो भड़काऊ भाषण दे रहे होते, वो मुसलमानों के रहनुमाई अगर जो है सिर्फ इंडिविजुअली कर रहे होते तो क्या वहाँ से चुनाव जीते होते? ओवैसी जी ने पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मतलब हद सब्सिडी खत्म करके, इस तरह की जो भी सब्सिडी है उसको खत्म करके उसे लड़कियों की पढ़ाई के लिए लगाया जाना चाहिए। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारा देश तभी तरक्की कर सकता है जब हमारी माताएं हमारी बहनें सब जो है पढ़ लिख कर एक अच्छा समाज बनेगा, हमारी सोच जब बदलेगी तो जाहिर सी बात है कि देश तरक्की करेगा। आप भी ओवैसी के सपोर्टर हैं? नहीं मैं तो समाजवादी पार्टी। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं लेकिन ओवैसी की उस बात का सपोर्ट करते हैं? हाँ, वो हाँ, सब्सिडी वाली जो बात है उसको अगर देखा जाए तो उसको वहां से बंद करके जो उनकी अच्छी बात है उनको हम सपोर्ट करते हैं। क्या वो कोई भी नेता हो, जिसकी जो अच्छी बात है उसको वो सपोर्ट। आपको ये लगता है कि हद सब्सिडी बंद करके उसका पैसा किसी और लड़कियों की पढ़ाई या ऐसे किसी काम में लगाया जाना चाहिए? एजुकेशन में लगाना चाहिए उसका। जी जी जी। तेजा आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि अखिलेश ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे विकास किए। दूसरे हमारे नेता ऐसे उतारे जिनका नाम है नवाबजान खान विधायक, पहले रह चुके हैं, उनको 2.5 साल का समय मिला और 2.5 साल के समय में उतना विकास किया उन्होंने कि इतना विकास किसी विधायक ने नहीं किया। अच्छा किया अखिलेश जी ने जो हमारे नेता ऐसे उतारे जिनकी जीत हासिल होगी इंशाल्लाह। ये लोग अभी ओवैसी की एक बात का जिक्र कर रहे थे कि हद सब्सिडी बंद करके लड़कियों की पढ़ाई पर उसका पैसा खर्च किया जाना चाहिए, ये लोग उससे सहमत हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं, हम ओवैसी से कोई सहमत नहीं है। और ओवैसी तो पहले भाजपा के आदमी है, आज नई बात थोड़ी है। वो तो पहले से ही भाजपा की तारीफ करते थे, जितने इल्जाम लगाए ओवैसी जी ने कितना बोला, भाजपा ने कोई इल्जाम नहीं लगाया उनके ऊपर। ओवैसी को आप भाजपा का आदमी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो इतने खतरनाक बयान दिए ओवैसी जी ने, आज तक भाजपा के बारे में कोई इल्जाम नहीं दिया उन्होंने, इसलिए कह रहे हैं उनको। हम तो अखिलेशवादी हैं, अखिलेश और दूसरे हमारा एक कैंडिडेट ऐसा उतारा अखिलेश जी ने कि बहुत अच्छा कैंडिडेट उतारा नवाबजान खान को। विधायक है हमारे, पहले भी रह चुके, इंशाल्लाह आपकी बार भी विधायक नवाबजान खान बने इंशाल्लाह। जी आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ओवैसी की। जी ओवैसी। ओवैसी क्यों ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं? कैंडिडेट बढ़िया, हमारा कैंडिडेट बढ़िया है। तो कैंडिडेट की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं या ओवैसी की वजह से? आगर द्वारा जब जब चुनाव होता कैंडिडेट बेस पे होता, पार्टी बेस पे नहीं होता यहाँ। नहीं केवल ये सपा या MIM की बात है या भाजपा की भी ये बात? कैंडिडेट बेस पे चुनाव होता है, जो कैंडिडेट बढ़िया उसे चुनाव लड़ाते हैं। ये ठाकुर द्वारा सीट पर कुंवर सर्वेश कई बार चुनाव जीत चुके हैं, 2012 में भी जीते, हालांकि 2007 में बसपा के उम्मीदवार जीते थे, 2012 में कुंवर सर्वेश जीते, 2014 में वो सांसद बने और जो उपचुनाव हुआ उसमें नवाब जान जीते। यहाँ अभी हम प्रचार गाड़ी के पास थे सपा की और यहाँ ज्यादातर लोग सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ओवैसी को भी सपोर्ट करते मिले। बाकी नतीजा क्या होगा
वो तो बाद में पता चलेगा। ठाकुर द्वारा से रजत के साथ मैं अमित, दिल अल्लन टॉप के लिए।